हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नीतू डायनामिक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। अब ये देखते हैं क्या क्या लगता है। मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं और इस साइज का 3 प्याज लिए हैं। मैंने 2 काट के रखी हूँ और 1 रख दी पीसने के लिए। 1 इंच अदरक है, हरी मिर्च है और लहसुन है। हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार तीखे के हिसाब से ले सकते हैं। मसाले में मैंने ये जीरा लिए हैं, धनिया, हरा धनिया, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, ये थोड़ा धनिया पाउडर, ये इसमें ये गरम मसाला है। इसमें क्या 2 इलायची है, 4 लौंग है, थोड़ी सी दालचीनी है और थोड़ा सा जायफल है। ये कस्तूरी मेथी और ये दही और ये तेज पत्ता भी मैंने लिए हैं, ये तेज पत्ता। ठीक है, अब इसको मैं क्या मसाले में क्या क्या लगेगा आपको ये बताती हूँ। देखिए, मैंने इसमें सब मसाले इसमें डाल दिए हैं। इसमें क्या क्या है, धनिया है, जीरा है, गरम मसाला, लहसुन और प्याज भी और हरी मिर्च। अब ये टमाटर भी हमने इस तरह से काट के 4 हिस्सों में काट लिए हैं। अब इसको इसमें डाल देंगे एक साथ, पूरा इसको पेस्ट बना लेना है। ठीक है, देखिए मैंने ये गैस को ऑन कर लूँगी। मैं ये रिफाइंड तेल से बनाऊंगी, आप सरसों के तेल से भी बना सकते हैं। मैं लगभग 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं, आप उससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं इसमें ये चक्कू के सहायता से इसको थोड़ा अंडे को कट कर लूँगी इसमें, इस तरह से चारों तरफ कट कर लूँगी ताकि ये भूनने पर फट के छिटके आपके ऊपर छिटक के ना आ जाए, इसलिए इसको कट लगाना पड़ता है। और इसके अंदर तक नमक, हल्दी, थोड़ा हल्का सा फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाए इसीलिए। अब ये मैं नमक और ये हल्दी मिला के इसको भून लूँगी, इसको इस तरह से फ्राई करूँगी। पहले इसको अच्छे से कोट करना है, नमक और हल्दी से इसको अच्छे से कोट करना है। और ये छोटा छोटा आपके पास अगर आलू भी है तब आलू भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा आलू, और नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं आप। अब इसमें डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। देखिए इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये फ्राई हो गया है और थोड़ा सा फ्राई होना है। इसके साथ साथ ये आलू भी मैंने हल्का सा फ्राई करना है। इसके साथ ये आलू की मैं भी फ्राई कर लूँगी इसको। देखिए ये फ्राई हो गया है, अब मैं इसको एक एक करके निकाल लूँगी इस तरह से, सारे निकाल लूँगी। देखिए इसमें तेल बचा है, अब इसमें मैं ये तेज पत्ता और ये थोड़ा बचा के रखे थे जीरा, इसको डाल लूँगी।
मैंने एक छोटा सा शिमला मिर्चा भी काट के रख दी थी, तो इसको भी मैं डाल दूंगी। और ये दो प्याज बारीक कटा हुआ। थोड़ा इसको भी मैं आग में थोड़ा हल्का ब्राउन तक फ्राई करूंगी। धीमी आंच में इसको फ्राई करना है। देखिए ये हल्का फ्राई हो गया है। अब थोड़ा सा 2 मिनट और इसको, और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और थोड़ा फ्राई करना है, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी भी थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन तक भूनना है इसको। देखिए ये फ्राई हो गया है। अब इसमें ये जो मैंने सब कुछ डाल के, आप एक साथ भी पीस सकते हैं या अलग अलग भी पीस सकते हैं, तो मैंने एक साथ पीसा है, इसको डाल देंगे। इसको भूनेंगे पहले। इसमें नमक डाल के, नमक ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार। उसमें नमक डाला है इसलिए आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से नमक ऐड करेंगे। और इसको अब मैं ढक दूंगी, जब तक ये टमाटर मसाला धीमे आंच में, तेज आंच में नहीं भूनना है, धीमे आंच में इसको भूनना है, और वो भी ढक के। देखिए मेरा 5 मिनट हो गया है, इसको ढक के मैंने ये टमाटर को पकाया। देखिए तेल ऊपर भी आ गया है और मेरा टमाटर भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें मैं थोड़ा मसाले ऐड करूँगी। ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, छोटी चम्मच। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच दूँगी। ये धनिया पाउडर है, इसको पूरा मैं डाल दूँगी। अब मैं इसको पूरा मिक्स कर दूंगी इसको, और ये थोड़ा सा हल्का 5 मिनट के लिए और पकाना है इसको। देखिए ये मसाला भून गया है मेरा। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करना है। इसमें मैंने ये फ्रेश दही लिए हैं, इसको मैं चम्मच की सहायता से फेंट लूँगी। उसके बाद इसमें डाल दूंगी। मैंने 3 चम्मच डाले हैं, इसको मिक्स कर लूंगी। घी में आज पर इसको मिक्स करना है ताकि ये फट के वो ना हो जाए, मिक्स हो जाए। इसमें इसको मिक्स करना है इसमें। देखिए मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी पहले डाल दूंगी और हाथ से थोड़ा क्रश करके डाल दूंगी मैं। मेरा ये मसाला पूरा भून चुका है। अब इसमें मैं 1 कटोरी पानी ऐड करूंगी। मैंने इसमें बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया है, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीट मसाला हो या गरम मसाला, आप जो मसाला पसंद करते हैं उसको मिक्स कर सकते हैं। मैंने एक भी बाहर का मसाला मिक्स नहीं किया है। मैंने 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। अब इसको बॉयल आने तक, आप जैसे ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस तरह, उस हिसाब से आप पानी डालिए। अब इसको बॉयल आने तक इसको ढक दीजिए पहले 2 मिनट के लिए। देखिए ये हो गया है, उबलने लगा है पानी।
अब मैं ये सारा ये अंडा और ये आलू को मैं डाल दूंगी इसमें। अब इसको 2 मिनट के लिए और पकने दूंगी ताकि ये जो है रस्सा जो है इसमें भी मिक्स हो जाए। देखिए मेरा ये हो गया है। अब इसमें आप देखिए मेरा हो गया है अंडा करी। आप इसमें ये इस तरह का ग्रेवी भी रख सकते हैं, ये थोड़ा पानी डाल के थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा और कस्तूरी मेथी हाथ से मसलते हुए डाल दीजिए और फिर थोड़ी हरी धनिया। गैस बंद, आप ये रोटी के साथ भी या चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए मेरा ये अंडा करी तैयार हो गया है। ये आप घर में ट्राई कीजिए, बनाइए, आप लोगों को सब अच्छा लगेगा। रोटी के साथ या चावल के साथ खाइए, सबको भी खिलाइए। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।